हेलो एवरीवान वेलकम टू माई चैनल ईजी विद मी सो वी वर डूइंग इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाई रेम मेरफे लास्ट यूनिट हमने uh, कर लिया है यूनिट नंबर ट्वेल्व उसमें हमने एक्सरसाइजेस और जो उसकी एक्सप्लानीशन है रूल्स की सारी कर ली है ये जो यूनिट नंबर ट्वेल्व है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट का इसकी एक्सप्लानीशन रूल्स ये सारा कुछ हमने कर लिया है आज बेसिकली हमारा मेन कंसर्न रहेगा इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने में ठीक है जो अनसॉल्व एक्सरसाइजेस हमें प्रोवाइड की गई हैं वो हमारे प्रैक्टिस के लिए हैं तो उन्हें हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे राइट right? तो यूनिट uh, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट सिंपल जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है कहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है कहाँ पर पास्ट यूज़ करना है वैसे तो ये सारे रूल्स हमने पढ़ लिए हैं फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिकेप्चुलेट कर दूंगी ताकि आपका इसके साथ लिंकअप हो जाए बेसिकली मेन कंसर्न हमारा आज का रहेगा इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में फ़र्स्ट देखो आपने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं प्रेजेंट परफेक्ट आपने यूज़ करना है जो चीज़ पास्ट में हुई है लेकिन उसका प्रेजेंट के साथ कनेक्शन है वहां पर आप हैज़ हैव और बीन के साथ इसको यूज़ करेंगी लेकिन पास्ट में वो चीज़ जो आपने पहले ही कर दिया यानी कि जो कुछ काम हो चुका है वहां पर आप पास सिंपल लगाएंगे अब ये सिचुएशन देखो यहाँ पर टॉम ने अपनी चाबियां गुम कर दी हैं तो ही हैज लॉस्ट हिज की अगर मैं बोलूं कि इसने अपनी चाबियां गुम कर दी हैं तो मैं लिख दूंगी ही हैज लॉस्ट हिज की इसका मतलब गुम कर दी हैं और अभी इसके पास इसकी जो कीज है चाबियां वो नहीं है तो यहाँ पर हैज लगाया तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट लेकिन अगर दस मिनट बाद यही बात मैं बोलूँ दस मिनट बाद अगर सेम चीज मैंने कहनी हो तो मैं लिखूंगी ही लॉस्ट हिज की क्योंकि अभी दस मिनट बाद तो इसको इसकी चाबियां मिल मिल गई हैं ना तो मैं लिखूंगी he lost his key, उसने चाबियां गुम कर दी थी लेकिन बट आ गया ना बट नाउ ही हैज फाउंड अभी उसको मिल गई है तो यहाँ पर आएगा लॉस्ट आएगा पास्ट सिंपल वाला पहले हमने यहाँ पर आ, के साथ लिखा था अभी यहाँ पर पास्ट सिंपल आएगा और बट के साथ लेगा ही अ फाउंड ये जो हैज़ है ना वो इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा यहाँ पर परफेक्ट टेंस है तो इस तरीके से हमने इसे यूज़ करना है ठीक है अच्छा और क्या, क्या और क्या सिचुएशन है हमारे पास कभी भी आपने यूज़ करना हो कोई नई चीज़ के बारे में बताना हो ठीक है अबाउट uh, कोई कुछ नई न्यू थिंग है समथिंग न्यू थिंग हैपन्ड तो आप लिखेंगे तो, जैसे टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की उसने अपनी चाबियाँ गुम कर दी तो ये एक नई चीज़ होगी कि हाँ कुछ गुम हो गया तो वहाँ पर टेंस यूज़ होगा बकर अगर आपने लिखना है कि कोई चीज़ पहले कुछ थी और अब वो चेंज हो गई है तो वहाँ पर आपने टेंस नहीं यूज़ करना जैसे मैंने यहाँ पर बताया ही लॉस्ट हिज की यहाँ पहले तो हमने लिखा था हैज़ के साथ ठीक है पहले हमने यही सिचुएशन हैज़ के साथ लिखी थी लेकिन यहाँ पर हैज़ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अब सिचुएशन दस मिनट बाद डिफरेंट है अभी उसको उसकी चाबियाँ मिल गई हैं तो लिखा ही लॉस्ट हिज की बट नाउ ही हैज़ फाउंड इट तो यहाँ पर ये यह चेंज हो गया जब भी सिचुएशन आपकी चेंज हो रही है तो वहाँ पर आपने हैज़ हैव आप नहीं लिखना है राइट तो बस यही है बेसिक बेसिक का डिफरेंस ज़्यादातर मैंने आपको सारा बता दिया अ बगर फिर से आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है वहाँ पर जाओ आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी और वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी वहाँ पर आप इसको देख सकते हो ठीक है तो आप आज हमारा मेन फोकस रहेगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने में तो करते हैं फर्स्ट देखो कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब्स इन द ब्रैकेट ब्रैकेट में आपको कोई वर्ड्स दी गए वर्ब्स दी गई हैं और उन्हें यूज करके आपने ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं जैसे ये ब्रैकेट में दिया है ना लॉस ये गो ये फॉरगेट ये सारे यूज द प्रेजेंट परफेक्ट वेयर पॉसिबल अदरवाइज यूज़ पास सिंपल जहाँ पर पॉसिबल होगा वहाँ पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट लिखाना है अगर नहीं है तो आपने पास सिंपल लिखना है यानी कि अब आपने देखना है कि कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आप लिखेंगे और कहाँ पर पास सिंपल के साथ आप अपने सेंटेंस को फॉर्म करेंगे फर्स्ट देखो आई कांट गेट इन मैं अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि ये चाबियाँ इसके पास नहीं है आई हैव लूज़ माई की यानी कि यहाँ पर ये लूज़ है ना ब्रैकेट में लूज़ दिया गया है और इसको यूज़ करके आपने लिखना है आई हैव लॉस्ट माई की क्योंकि अभी अंदर नहीं जा पा रहा तो यहाँ पर सिचुएशन सेम की सेम है तो यहाँ पर परफेक्ट के साथ हो गया यानी कि इसका पास्ट का प्रेजेंट के साथ कनेक्शन सेकेंड द ऑफिस इज़ एम्बटी नाउ ऑफिस के अभी क्या है अभी खाली है तो एवरीबडी गो होम ये ब्रैकेट में क्या है गो अभी ऑफिस खाली है इसका मतलब सभी घर जा चुके हैं तो यानी कि पहले घर गए और अभी ऑफिस खाली है ये यानी कि पास्ट का प्रेजेंट के साथ कनेक्शन है तो हम लिखेंगे एवरीबडी हैज गॉन होम अगला देखो आई मेंट टू कॉल यू लास्ट नाइट मैंने रात कल रात को आपको फोन किया करना था बट आई फॉर गेट पर मैं भूल गई बट आई फिर क्या आएगा Forgot. ठीक है करना था लेकिन मैं भूल गई ये तो सिंपल है यहाँ पर उन्होंने बोला ना जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा वहां लगाना है नहीं तो आपने सिंपल के साथ कर देना है नेक्स्ट देखो हेलन क्या है गो गो टू इजिप्ट फॉर अ हॉलीडे बट शी इज बैक होम इन इंग्लैंड नाउ उस uh, हॉलीडेज पर वो कहाँ गई थी इजिप्ट में गई थी और अभी वहाँ पर अपने घर इंग्लैंड में वो वापस आ गई है तो हेलेन वेंट टू इजिप्ट फॉर अ हॉलीडे गई थी ना पास्ट में गई थी जो आपने किया यानी कि वो गई थी घूमने गई थी तो ये वेंट गो का आएगा पास्ट फॉर्म वेंट हो जाएगा जो चीज़ हो गई है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना जहाँ पर पास्ट सिंपल के साथ बनेगा वो करना है क्योंकि पास्ट सिंपल का मतलब क्या है जो चीज़ हो गई है पास्ट में डन है तो वहाँ पर सिंपल लगा दो यस आई डैश हैव अ हेडेक बट आई एम फाइन नाउ या मेरी दर्द हो रही थी पर अभी मैं ठीक हूँ तो यस आई हैड अ हेडेक ठीक है हो रही थी पहले हो रही थी तो ये सिंपल हो गया अगला कैन यू हेल्प अस Our car डैश डाउन हम क्या आप हमारी मदद करेंगे हमारी गा गाड़ी जो है वो खराब हो गई है तो पहले ख़राब हुई तो अभी तक ख़राब है तो उसका कनेक्शन है आवर कार हैज़ हैज़ के साथ क्या आएगा ब्रेक का बन जाएगा ब्रोकन ब्रोकन डाउन राइट आई होप की क्लियर है आपको अगला करो Part of these right wrong? Them इस तरीके के हमने कहीं बार कर लिए है पहले भी आ, क्या करना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ब है यहाँ से यहां कि है, आपने देखें कि ये करेक्ट है अगर करेक्ट है तो आपने ओके okay लिख देना यहाँ पर अगर यहाँ पर ये यह जो अंडरलाइन वर्ब करेक्ट नहीं है तो इसको करेक्ट कर इस साइड पर लिख देना है राइट तो स्टार्ट करते हैं डिड यू हेयर अबाउट सो क्या आपको ये बारे में पता है शी हेज गि फर्स्ट जॉब उसने अपनी जॉब छोड़ दी है सो शी हैज़ गिवन अप अपने छोड़ दी है तो ये आ गया ओके ओके ठीक है बिल्कुल सही लिखा है माय मदर हैज़ ग्रोन अप इन इटली अच्छा आपकी मदर इटली में बड़ी हुई है उन्होंने जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड है जो भी है वहाँ पर स्पेंड किया तो पास्ट में किया ना अभी उसका तो कोई कनेक्शन नहीं है पहले जो काम आपने कर दिया तो हैज़ ग्रोन नहीं आएगा जो चीज़ पास्ट इवेंट हो चुका है उसके साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाएंगे उसके साथ भी प्रे hmm. पास्ट uh, सिंपल लगाएंगे तो ग्रो का बन गया हैज uh, ग्रोन की जगह पर सिंपली लिख देंगे ग्रीव यानी कि माय मदर ग्रीव अप इन इटली हैज ग्रोन नहीं आएगा हाउ मेनी पोएम्स हैज विलियम शेक्सपियर रिटन कि विलियम शेक्सपियर ने कितनी पोएम्स लिखी तो so लिखी ये पास्ट का हो गया कि हाँ उसने जितनी लिखनी थी लिख दी तो हम लिखेंगे हाउ मेनी पोएम्स डिड विलियम शेक्सपियर राइट डिड है मैंने आपको पहले भी जब डिड है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही जाएगी यानी कि रेटर नहीं आएगा राइट ही लिख देंगे डिड आएगा हैज की जगह पर डिड विलियम शेक्सपियर ऐसे विलियम शेक्सपियर राइट ठीक है विलियम शेक्सपियर ने लिखी नेक्स्ट ओ आई हैव कट माय फिंगर इट्स ब्लीडिंग मैंने अपनी फिंगर को कट लगा दिया अभी ब्लीडिंग हो रही है तो कट लगाया और अभी ब्लीडिंग हो रही है तो ये दोनों का कनेक्शन है तो यहाँ पर ओके okay है बिल्कुल जब कनेक्शन है पास्ट इवेंट का प्रेजेंट के साथ तो आप हैज़ हैव वाला लगाएंगे यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज़ हैव लगा दिया और ये ठीक है नेक्स्ट देखो ड्रग्स हैव बिकम अग बिग प्रॉब्लम एवरीवेयर हर जगह ड्रग्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक है ड्रग्स हैव बिकम अग प्रॉब्लम एवरी ईयर एवरी वह भी थी और अभी भी ये है ना कि हर जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो ये भी है ओके नेक्स्ट हुज इन्वेंटेड पेपर पेपर की इन्वेंशन जो है किसने की अभी इन्वेंशन किसी ने की तो ये पास्ट इवेंट है जो काम हो चुका है तो जो काम हो चुका है पास्ट का है वहां पर हमने ये हैव नहीं लगाना हमने सीधा लिखना है कि हु इन्वेंटेड पेपर किसने पेपर की इन्वेंशन करी तो हम लिख देंगे हु हु तो यहाँ पर ठीक है हैज इन्वेंटेड की जगह पर आप लिख देंगे सीधा इन्वेंटेड यानी कि हु इन्वेंटेड पेपर पेपर यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन नेक्स्ट वेयर हैव यू बीन बॉर्न आप कहाँ पर बॉर्न हुई यानी कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है सो आप लिखेंगे वेअर हैव यू बीन नहीं आएगा जब जो चीज़ पास्ट में हुई है आपका बर्थ हुआ है तो ये पास्ट का इवेंट है इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं तो आप लिख देंगे वेयर वर यू बॉर्न ठीक है हैव की जगह पर लिख देंगे वेयर हैव की जगह पर लिख देंगे वर यू और बॉर्न ठीक है यहाँ पर बीन भी नहीं आएगा बीन भी, भी कट हो जाएगा नेक्स्ट एली इज इंट एट होम शी हैज़ गॉन शी इज गॉन शॉपिंग यानी कि एली घर पर नहीं है वो शॉपिंग करने की है शी हैज़ गॉन शॉपिंग तो ये बिल्कुल ठीक है अभी घर पर नहीं है तो कहाँ है शॉपिंग पे गई है तो ये ओके okay, आ गया नाइन्थ एल्बर्ट आइंस्टाइन हैज़ बीन द साइंटिस्ट हैज डिवेलप द थ्यूरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि एल्बन आइंस्टीन वो साइंटिस्ट था वो साइंटिस्ट था जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इन्वेंशन करी यानी कि पहले पास्ट में सब कुछ किया हो गया है तो यहाँ पर हम पास्ट में ही लिखेंगे हैज़ हैव वाले नहीं लिखना है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज द साइंटिस्ट हमने हैज बीन की जगह पर लिख देंगे वॉज द साइंटिस्ट यहाँ पर इसकी जगह वॉज आएगा और उसके बाद हु Has developed की जगह पर आप लिख देंगे यहां पर लिख दो नीचे वाली लाइन में हु डिवेलप्ड हु theory ऑफ रिलेटिविटी फाइन तो ये भी हमारा हो गया नेक्स्ट देखो थर्टीन uh, पॉइंट थ्री इसमें क्या लिखा है पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट और पास सिंपल अभी देखना है कि कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा कहाँ पर पास सिंपल आएगा उसी अकॉर्डिंग आपने ये वाले करने हैं है थर्टीन पॉइंट थ्री फर्स्ट देखो डैश रेनिंग फॉर अ वाइल बट नाउ इट्स अगेन रेनिंग स्टॉप यानी कि ये ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं इनको यूज करके आपने बनाना है यानी कि इट स्टॉपड रेनिंग फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए तो बारिश रुक गई थी बट नाउ इट्स रेनिंग अगेन अभी फिर से बारिश हो रही है द टाउन वेयर आई लिव इज वेरी डिफरेंट नाउ जब टाउन में जब जहाँ मैं रहता था अब वो पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बदल गया है यानी कि इट चेंज अलॉट हम लिख देंगे इट हैज़ चेंज्ड अलाट क्योंकि पहले का और अब का कनेक्शन है जहाँ पर भी पिछली बात का अब से कनेक्शन है तो आप हैज़ है वाला करेंगे। स्कूल में क्या सीखी जर्मन लैंग्वेज सीखी बट मोस्ट ऑफ इट नाउ फॉर गेट यानी कि अभी मैं उसको बोल चुका हूँ यानी कि पहले सीखी थी और अभी बोल चुका हूँ तो आप क्या लिख देंगे आई हैव फॉर गोटन ये वाला लिख देंगे क्योंकि पिछले का पास से कनेक्शन है ठीक है तो ये आएगा परफेक्ट वाला नेक्स्ट देखो द पुलिस डैश थ्री पीपल बट लेटर देम गो अरेस्ट यानी कि पुलिस ने तीन लोगों को अरेस्ट किया और उसके बाद उन्हें जाने दिया यानी कि अरेस्ट किया ना तो किया था और बाद में जाने दिया यानी कि यहां पर आएगा पास्ट अरेस्टेड ठीक है अरेस्टेड थ्री पीपल बट लेटर लेट them गो नेक्स्ट uh, देखो uh, वट डू यू थिंक ऑफ माई इंग्लिश आपको क्या लगता है कि मेरी इंग्लिश कैसी है डू यू थिंक इट इम्प्रूव क्या आपको लगता है कि मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी है यानी कि पिछले से अब का कनेक्शन यानी कि पहले कुछ थी और अब कुछ है यानी कि कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है पास्ट में और प्रेजेंट में तो हम लिखेंगे डू यू थिंक इट हैज़ इम्प्रूवड ठीक है ये भी हो गया नो डैश विथ इट सॉरी ए आर यू स्टिल रीडिंग द पेपर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आर यू स्टिल रीडिंग द पेपर क्या अभी तक पेपर पढ़ रहे हो आप नो डैश विद इट यू कैन हैव इट आई फिनिश यानी कि मैंने इसको फिनिश कर दिया है आप इसे ले सकते हैं तो मैंने फिनिश फिनिश कर दिया है तो आप लिख देंगे आई हैव फिनिश्ड आई हैव फिनिश्ड या फिर आप ये भी लिख सकते हो आई एम फिनिश्ड विद इट आई हैव की जगह पर आई एम भी यूज कर सकते हो वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा आपका नेक्स्ट देखो डैश फॉर अ जॉब एज ए टूरिस्ट गाइड बट आई वॉज नॉट सक्सेसफुल मैं एक टूरिस्ट गाइड की जॉब कर रहा था पर वो मैं सक्सेसफुल नहीं रहा यानी कि आई अप्लाई यानी कि आपने टूरिस्ट गाइड की जॉब के लिए अप्लाई किया पर सक्सेसफुल नहीं रहे यानी कि आई अप्लाइड आपने पहले किया था अप्लाइड ठीक है पिछली बात को आप बता रहे हैं अपनी पिछली कोई बात बाइक मेरी बाइक कहाँ है डैश आउटसाइड द हाउस बट इट्स नॉट देयर नाउ इट बी यानी कि होनी तो वहीं ही चाहिए थी पर पहले थी वहां पर अब यहाँ पर वहां पर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे इट वॉज आउटसाइड द हाउस ठीक है इट वॉज आउटसाइड द हाउस बट इट्स नॉट देर नाउ क्योंकि जो भी चीज़ पहले कुछ थी और अब कुछ है यानी कि वहाँ पर चेंज आ रहा है तो वहाँ पर आप परफेक्ट वाला नहीं लिखेंगे वहाँ पर आप वो जो है पास्ट सिंपल वाला है वही आप यूज करेंगे राइट तो ये भी हो गया नेक्स्ट देखो क्विक वी नीड टू कॉल एन एम्बुलेंस जल्दी करो हमें एम्बुलेंस को कॉल करना है डैश एन एक्सीडेंट देअर बी यानी कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है तो अभी हुआ है एक्सीडेंट सो देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट देयर बीन एन एक्सीडेंट नेक्स्ट हैव यू अबाउट बेन क्या आपने बेन के बारे में सुना है डैश हिज आम ही ब्रेक उसने अपनी आम को चोट लगा रही है तो ही हैज ब्रोकन ही हैज Broken his arm. Really? How dash that happened? ये कैसे हुआ so, आप क्या लिखते हैं कैसे हुआ पास्ट का फिर से आ गया नेक्स्ट देखो डैश ऑफ अ लेडर वो एक मतलब सीढ़ी से लेडर से गिर गया ही फॉल तो हम लिख देंगे He fell ऑफ़ अ वो एक लेडर यानी कि सीढ़ी से नीचे गिर गया तो ये हो गया हमारा तो हमने इसी के साथ वी आर डन विद दिस यूनिट यूनिट नंबर थर्टीन क्या पढ़ा हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट और पास सिंपल का डिफरेंस ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ वो जो यूनिट है ना इसकी एक्सप्लेनेशन वाला यूनिट थर्टीन की एक्सप्लानीशन ये वाली सारी इसको पढ़ो ज़रूर क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे रूल्स कैसे कैसे करने हैं क्योंकि इन्हें पढ़कर वो करेंगे क्योंकि इसी के बेसिस पर ही वो रूल्स बनाए गए हैं वो ये जो रूल ये जो एक्सरसाइज है ना ये आपके प्रैक्टिस के लिए ही है अगर आप इन्हें पढ़े रूल्स को पढ़े बिना ही एक्सरसाइज करोगे तो देन यू विल फेस प्रॉब्लम तो अगर आप को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय